हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदित्य और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हम सफारी का कैबिन लगेज बैग देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और वैल्यू फॉर मनी है। इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने शॉर्ट में शॉर्ट रखने की ट्राई की है। चलो फिर वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो के लास्ट एक मिनट में मैं बताऊंगा इसका लॉक कैसे सेट करते हैं, तो आप डायरेक्टली वो जाके भी देख सकते हो अगर लॉक कैसे सेट करते हैं वो सीखना है तो। चलो फटाफट अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल सी पैकेजिंग में आया है, बस एक कार्टून में पैक है। इसको आने में 3 दिन लग गए। इसका MRP देखो 6000 है, बट हमको 2200 रुपये में आया है। 53 सेंटीमीटर्स इसका साइज़ है। चलो फटाफट इसको अनबॉक्स करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलो फटाफट इसको बॉक्स के बाहर निकाल देता हूँ और आप लोगों को बता दूँ ये कैसा है। और मैंने इसके पहले जो भी लगेज की अनबॉक्सिंग किया सब अभी तक अच्छे चल रहे हैं, कोई भी टूटा नहीं है। मंगाने का रीज़न था इसका कलर और इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आया और इसके रिव्यूज़ भी बहुत बढ़िया थे, तो हमने सोचा यही मंगा लेते हैं। देखो कुछ इस तरीके की सिंपल थैली में आ जाता है। मैं थैली को निकाल देता हूँ। फर्स्ट इंप्रेशन तो बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, का डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है। ऑल ओवर दिखने में तो बहुत मस्त लग रहा है। ये देखो इसके ऊपर 5 ईयर्स की वारंटी आती है। और ये रही जो डिटेल्स बॉक्स के ऊपर थी वही, और ये रहे कुछ इसके फीचर्स। आप देख सकते हो पॉज करके सारे फीचर्स के बारे में ना हम एक बार बात करने ही वाले हैं। तब तक आप एक बार बैग का ओवरव्यू ले लो, कितना मस्त लग रहा है। इसका डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, फर्स्ट इंप्रेशन तो कमाल ही है। सफारी के बैग्स की क्वालिटी एक नंबर ही आती है, आप लोगों को भी पता ही है। और ये देखो ये रहा इसका कॉम्बिनेशन लॉक। लास्ट के एक मिनट में मैंने इसका लॉक कैसे सेट करते पूरा वीडियो बनाया है, तो आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। ये देखो ये रहा इसका हैंडल, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत वाला है, अच्छा खासा इसका पूरा वेट ले लेगा। और ये रहा इसका ट्रॉली बैग। ऑल ओवर दिखने में तो ये बहुत ज़्यादा स्टर्डी है, स्ट्रॉन्ग है। वरना हम इसके नीचे के व्हील्स भी देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बैग का। देखो चारों व्हील्स ना चारों साइड घूमते हैं और व्हील्स की क्वालिटी भी बहुत मस्त दी गई है। अगर व्हील्स अच्छे नहीं होते, रास्ते में टूट जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ढूंढने में भी और साथ में इसको लेके जाने में भी। तो इनकी क्वालिटी अच्छी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। चलो अब मैं बैग को खोलता हूँ, बट बैग को खोलने से पहले इसकी जिप टेस्टिंग कर लेते हैं। देखो कितनी मस्त स्मूद है इसकी जिप। ट्रॉली बैग्स में ना जिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है, क्योंकि जिप बराबर बंद नहीं होगी तो बैग कुछ काम का नहीं। चलो अब अंदर का लुक लेते हैं। देखो अंदर कुछ आप लोगों को ऐसा लुक मिल जाता है। एक साइड पे आप लोगों को जिप वाला कंपार्टमेंट मिल जाता है पूरा पैक वाला, और एक साइड पे ऐसा खुला वाला। और इसको खोलने का हुक वाला सिस्टम दिया गया है, जो पूरा इलास्टिक पर है, ताकि आपके कपड़े अच्छे से पकड़ के रहे। ये वाला पूरा साइड प्लेन है, इसकी आपको पूरी जगह मिल जाएगी। ओके, इसको हुक वाला सिस्टम दिया गया है, बस ऐसे हुक वापस बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल और अच्छा दिया गया है। ये साइड वाली जगह फुल अच्छे से यूज़ कर सकते हो, फुल एकदम प्लेन दिया गया है। अब हम वो जिप वाला कंपार्टमेंट भी खोल के देख लेते हैं कि वो कैसा है। ये वाला कंपार्टमेंट में मस्त जिप दी गई है, और वैसा ही इलास्टिक वाला हुक वाला सिस्टम इसमें भी दिया गया होगा। देखो इसकी भी जिप की क्वालिटी कितनी अच्छी है, एकदम बटर स्मूद है जिप इसकी भी। चलो अब इसको खोल देता हूँ। इसमें भी हुक वाला सिस्टम ही दिया गया है। इसमें थोड़ी सी जगह कम मिलेगी, क्योंकि इसमें ट्रॉली है, अच्छी खासी जगह मिल जाती है। और ये देखो ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, लॉक को कैसे ऑपरेट करते हैं वो सारा बताया है इसमें, आप पढ़ सकते हो पॉज करके भी। ऐसे बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं आगे करके बताऊँगा आप लोगों को, आप समझ जाओगे। भी अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चलो अब मैं बैग को बंद कर देता हूँ और आपको एक छोटा सा टेस्ट करके बता देता हूँ कि आप जो कॉस्ट पे कर रहे हो उसके हिसाब से क्यों ये इतना वर्थ और वैल्यू फॉर मनी बैग है। ये साइज़ में बैग छोटा है, क्योंकि ये कैबिन लगेज है। आप इसको फ्लाइट के अंदर लेके साथ में जा सकते हो, और ये कैरी करने में भी बहुत आसान है, ये कहीं भी फिट हो जाता है, इसके लिए हमने इसको ख़रीदा है। अब मैं इसका जिप बंद कर देता हूँ, फिर छोटा सा टेस्ट करके बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्वालिटी कितनी प्रीमियम है और ये कितना मस्त बैग है, पैसा वसूल एकदम। मैं है ना खुद छोटे लगेज बैग ही प्रिफर करता हूँ, ताकि मैं उसको आराम से उठा सकूँ और कहीं भी फिट हो जाए। चलो दोस्तों अब मैं इसको आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। दिखने में तो है स्टर्डी, बट टेस्ट करे बिना हम कैसे मान लें, तो 2-4 मुक्के मार के बताता हूँ मैं आपको कि ये कितना स्टर्डी है। एकदम ध्यान से देखना, मैं बैग को ज़्यादा ज़ोर से नहीं, थोड़ा ज़ोर से ही मारूंगा। अब आप खुद देखो बैग की क्वालिटी क्या है।
आप क्वालिटी के लिए पे कर रहे हो, क्वालिटी के लिए। अब इतने से भी खुश नहीं हुए तो और एक छोटा सा टेस्ट और कर लेते हैं साइड पे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो है कि नहीं एकदम मजबूत चीज़, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसी क्वालिटी टेस्ट करके बताना, तभी पता चलता है कि ये बैग कितना मजबूत है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पैसा वसूल और वैल्यू फॉर मनी डील है, वर्थ बाइंग है। इसके ऊपर 5 ईयर्स की वारंटी आ रही है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इसको कितना स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ वाला बनाया है ब्रांड ने। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डील है। इतना ठोकने के बाद भी देखो इसकी कंडीशन कितनी इंटैक्ट है कि नहीं, ज़बरदस्त वैल्यू फॉर मनी डील। अगर आप भी दोस्तों इस बैग को बाय करना चाहते हो तो बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो। इसका साइज़ तो आप देख ही रहे हो कितना कॉम्पैक्ट है, इससे बड़े भी साइज़ आते हैं। अगर आपको वो लेने हैं तो वो भी मैंने बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप अपने हिसाब से चेकआउट करके ले सकते हो। आपके सेटिस्फैक्शन के लिए एक छोटा सा टेस्ट और देख लो। अभी भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, कुछ भी आपके दिमाग में रह गई हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, मैं जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही था, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे थम्स अप बटन दे दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच। मेरे और बहुत सारे वीडियोज़ हैं वो भी चेकआउट कर लो, शायद आपको पसंद आ जाए। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू गाइज एन्जॉय द वीडियो। जैसा कि मैंने कहा था वीडियो के लास्ट 1 मिनट में आप लोगों को बताऊंगा इसका कॉम्बिनेशन लॉक कैसे ऑपरेट करते हैं। लास्ट में इसके लिए रखा है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को आता है, बट कुछ लोगों को नहीं आता है तो उनके लिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, मैं डिटेल में समझाने की ट्राई करूँगा आप लोगों को। दोस्तों जब आपके पास ये बैग आता है ये कुछ इस तरीके से सेट होता है, 000 पे बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी ऐसे ही देती है, तो बस आपको इसको पुश करना है और ये खुल जाता है। देखो अब मैं वापस लॉक कर देता हूँ और दूसरा कोड डालता हूँ, उसके बाद देखो ये लॉक नहीं खुलने वाला है। बहुत ज़्यादा सिंपल है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखो, देखो नहीं खुला, अब 0 डाला तो देखो वापस खुल जाएगा तुरंत ही। करना कुछ नहीं है, बस ये पुश बटन दबा के रखो और जो लॉक कोड आपको अपनी मनपसंद का डालना है वो डाल दो। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल रहा हूँ अभी 989 डाल देते हैं। देखो अभी ये कितने आराम से काम कर रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। अब मैं इसको लॉक कर देता हूँ और उसके बाद अभी इसका लॉक कोड चेंज करता हूँ। देखो नहीं खुलेगा, अभी देखना, देखो नहीं खुल रहा है। और अभी मैं वापस से इसको 989 के ऊपर लेकर आता हूँ, फिर देखना तुरंत ही खुल जाएगा एकदम इजीली। ये देखो अब 989 आया, ये देखो अब खुल गया, इतना ज़्यादा सिंपल है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आ गया होगा, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके बता दो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।